रहना, सभी तरह के वीडियो बनाता है, लेकिन ये वाकई हकीकत है दोस्तों, मेरा हर चीज़ में इंटरेस्ट है और आपको मैं बहुत ही यूनिक चीज़ बता रहा हूँ आज के वीडियो के अंदर, जिसमें आपको बताएंगे कि देखो दोस्तों, जहाँ पर भी आपको बोरिंग वोरिंग करवाना हो तो सबसे जो अच्छा मेथड है ये नारियल, और नारियल कैसे काम करता है इसकी हिस्ट्री तो मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा आपको कि ये काम कैसे करता है और क्या वाकई नारियल से पानी देखने पर पानी होता है या नहीं होता। तो आज आपको बिल्कुल लाइव अभी कुछ ही देर बाद में हमारे यहाँ पे मशीन आने वाली है, अभी जब तक कि मैं यहाँ पर टेस्ट कर रहा हूँ कि पानी कहाँ निकलेगा सही, और ये जो बोरिंग का जो सिस्टम है वो आज हमारे खुद के घर पे करवा रहे हैं, किसी के यहाँ नहीं करवा रहे हैं, और 99.9% ये पास होता है जहाँ पर इसमें पानी होने की संभावना पूरी पूरी होती है। तो मेरे साथ आइए और हम आपको स्पॉट बताते हैं कि कहाँ से जो पानी निकलता है। तो देखिए नारियल को आपने क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा आपको देखा होगा, किसी भी चीज़ को हम रगड़ते हैं तो उसमें चार्ज आ जाता है, आवेश आ जाता है, तो हमारी बॉडी और जो नीचे जो पानी बहता है जिसे हाइड्रोमीटर से नापते हैं, मशीन भी आती है दोस्तों, वैज्ञानिकों के पास में मशीन होती है, लेकिन हम तो क्या सीधे गांव के लोग हैं तो हमारे पास मशीनें कहाँ उपलब्ध होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे देसी जुगाड़ ये है नारियल, और इस नारियल की सहायता से हम बताएंगे आपको, और इसी जहाँ पे मैं स्पॉट करूँगा आप ये खेत देख लीजिए एक बार, आपको पूरा दिखा देते हैं कि मैं कहाँ कहाँ चेक करूँगा, पूरा जो खेत है यहाँ से लेके वहाँ तक का, और जो हमारा जो पुराना बोरिंग वो लगा हुआ है उसमें पानी कम था, और अभी हम इसी खेत में लगाएंगे इस साइड में, और वो उधर हमारा घर है आप देख सकते हैं, जहाँ पर हमारा गांव है वो जो पोल गड़ा हुआ वो हमारा घर है, और वो जो उधर कुआ है आप देख सकते हैं कि लगभग 80 फीट पर भी बिल्कुल सूखा पड़ा है, कुछ भी पानी नहीं है वहाँ पे। और इधर जो मेरा बगीचा है इस साइड में आप देख रहे हैं, ये नींबू बेर वगैरह, ये हमारे बकरे चर रहे हैं, और ये पेड़ लग रहे हैं अंगूर वगैरह के। तो अब मेरे साथ वीडियो में आइए कि मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ, यहाँ से निकलता हूँ, इस तरह से नारियल को पकड़ेंगे हम, और होगा क्या कि जहाँ पे पानी होगा तो ये जो नारियल है इसमें कुछ वाइब्रेशन होगा, मतलब वाइब्रेशन होगा तो इसका मतलब हम उसको नोटिफाई करेंगे, और इस तरह से अपन 10 या 15 स्पॉट देखेंगे और जहाँ पे ज़्यादा वाइब्रेशन होगा उसी जगह पे हम बोर कराएंगे, और इस वीडियो में आपको बिल्कुल हकीकत में दिखाया जाएगा। और मेरे साथ वीडियो में जो वीडियो जो कैमरा मैन है वो लवकुश मीणा है, और जो मेरे साथ जो सेकेंड कैमरा मैन है वो है रामू जी मीणा, और ये दोनों भी मेरे साथ आज वीडियो में लाइव देखने आए हुए मेरे सब्सक्राइबर है और दर्शक है ये, और ये इनको भी मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो देखते हैं, तो ये बोल रहे हैं कि सर आज ये वाला वीडियो बनाओ, तो मैंने इनको लेके आया हूँ, और ये मेरे पास जयपुर से आए हैं, पढ़ते हैं दोनों, और आज इसी इंटरेस्टिंग वीडियो की रिगार्डिंग जो ये इसको देखने आए हैं। तो अब मैं जो नारियल से इनको टेस्टिंग करके बताऊंगा, और दोस्तों मैं बता दूं आपको, मैंने अब तक कई सारे बोरिंग करवा दिए, 101% में पानी आया है बोरिंग में, और जहाँ तक कि मेरा अनुभव है कि जो ईश्वर की कृपा से और इस नारियल की मदद से हम इस बोरिंग को भी सफल करने वाले हैं, तो चलते हैं हम इस वीडियो के साथ और टेस्ट करते हैं इस तरह से पकड़ना है, और जहाँ जहाँ वाइब्रेशन होगा उसे हम नोट करते जाएंगे। तो आप इस नारियल को बिल्कुल इस तरीके से पकड़ लेंगे, जहाँ जहाँ पर वाइब्रेशन होगा उस चीज़ को हम जो है नोट करेंगे, वाइब्रेशन कैसे होगा आप बिल्कुल वीडियो में देख सकते हो, और मैं इसे हिला नहीं रहा हूँ, आपको अगर लगे कि भाई मैं हिला रहा हूँ तो मैं हिलाऊंगा बिल्कुल नहीं, मैं जैसा पकड़ा हूँ वैसे ही पकड़ूंगा इसको, जहाँ पे वाइब्रेशन होगा वो मुझे महसूस होगा और उस वाइब्रेशन को मैं नोट कर लूँगा। तो इस तरह से मुझे सेंटर पॉइंट निकालना पड़ेगा 10-15 बिंदु लेकर के, तो वो कैसे निकालता हूँ आप देख सकते हो, तो पूरे वीडियो को जहाँ तक कि आप देखते रहिए चलते रहिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है आप देख रहे हो पांसे हैं, तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि मेरे लग भी सकते हैं, अभी तक कोई हलचल नहीं हुई, कोई वाइब्रेशन नहीं हुआ, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन हुआ जरा सा इस जगह पर, लेकिन यहाँ पर इतना पानी नहीं है जितना हमें उम्मीद है। आप जरा सा वाइब्रेशन हुआ बिल्कुल आप देख सकते हैं दोस्तों इस जगह पे थोड़ा सा, इसका मतलब यहाँ पर जो है अगर हम बोर करते हैं इस जगह को हम नोटिफाई कर लेंगे या हम पैर से निशान कर देंगे इस जगह पर, क्योंकि यहाँ पर जो थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन हमें मिला है
तो इस पॉइंट को देखते हुए हमें जो अन्य 10 या 15 पॉइंट देख करके उनको एक सेंटर पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, यानी कि इस जगह पे। अब उस जगह पे हमारा पुराना बोरिंग है, तो आप जानते हो कि हम इतना नज़दीक बोर करा नहीं सकते, क्योंकि इसमें जो प्रेशर लीक होने का खतरा होता है, तो कम से कम लगभग हमें लगभग 100 फीट की दूरी होनी चाहिए हमारे जो पुराने बोरिंग से। तो दोस्तों ये वाला पॉइंट मिला, और इस पॉइंट के साथ मैं पूरे इसमें घूमूंगा, जहाँ जहाँ पे यहाँ पर भी वाइब्रेशन चल रहा है, यहाँ भी वाइब्रेशन हो रहा है, यहाँ भी, क्योंकि इस जगह पे भी वाइब्रेशन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो बिल्कुल पानी की जगह है, इसमें काफ़ी पानी था इस बोर में, आप देख सकते हैं यहाँ पर फुल वाइब्रेशन होगा इस जगह पर, देख सकते हैं आप बिल्कुल यहाँ पे फुल पानी है, तो ये जो है वाइब्रेट कर रहा है, और लेकिन ये जो होल है ना ढल चुका है अंदर से, तो ये काम का नहीं है, और इस वजह से हमें क्या है दूसरा बोरिंग करवाना पड़ रहा है। तो यही वजह है कि ये देख सकते हो जो नारियल आप खड़ा है पूरा का पूरा, ये इस तरह से वाइब्रेट हो रहा है, ये तो इसमें फुल पानी है, लेकिन अब ये क्या है अंदर मोटर नहीं चलती, इसमें गाद आ जाती है, तो इस वजह से जो हम दूसरा बोरिंग करवा रहे, तो यानी कि एक पॉइंट तो वो था, और दूसरा पॉइंट ये है। अभी हम ढूंढते हुए चलेंगे यहाँ पे पूरे खेत में घूमेंगे, जहाँ वाइब्रेशन होगा, तो मेरे साथ वीडियो में आइए धीरे धीरे। तो इस जगह पे भी दोस्त देख सकते हो वाइब्रेशन चालू है, इसका मतलब इस जगह जगह पे जो है पानी आ रहा है, बिल्कुल इस जगह पे पानी फुल है इस जगह पे। ये जो दूसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे जो वाइब्रेशन फुल हो रहा है, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें रख देता हूँ ताकि मुझे ढूंढने में जो है आसानी रहेगी इस जगह पर। फिर आगे चलता हूँ दोस्तों, तो मेरे साथ आप आज देख सकते हो एक दूसरा जो पॉइंट है, मैंने यहाँ ढूंढा था इस जगह पर, इस जगह पर बहुत ही ज़्यादा जो वाइब्रेट हो रहा है इस जगह पे, इस जगह पर आप देख सकते हो पूरा नारियल जो है, मैं इसे पकड़ लूँ तब भी जो है ये इस तरह से मैं जैसे हिलाऊँगा तो ये जो है वाइब्रेट करेगा इस जगह से, पूरा खड़ा है ये इस तरह से, यूँ करूँगा तो वापस आ जाएगा, ये देखो यानी कि वाइब्रेशन हो रहा है। तो चौथा पॉइंट ये है, इस तरीके से मैं बीच से वहाँ से घूमता घूमता फिर वहाँ तक चलूँगा, तो और हम मेरे साथ आते रहिए बनते रहिए। तो यार दोस्तों आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन चल रहा है यहाँ पर, तो मैं कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेरे आगे चले ताकि वीडियो पूरा क्लियरली दिखे दर्शकों को, और हम किस जगह तक खड़े हैं ताकि आपको ये लगे कि यार हम फोकस नहीं बोल रहे। तो बिल्कुल इस तरीके से आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन चल रहा है मेरे हाथ में, तो मैं बहुत ही धीरे धीरे चल रहा हूँ जितना मेरे से हो सकता है। और दोस्तों अगर आपको भी बोरिंग करवाना तो आप मुझसे मदद ले सकते हो, मेरे नंबर है 9461624127, दूसरे नंबर है 6350161661, और डिस्क्रिप्शन में भी जो मेरे मोबाइल नंबर मिल जाएंगे। तो मैं कोई पैसे ऐसा नहीं लेता हूँ दोस्तों, ये जो है धार्मिक कार्य है, और पानी सभी प्राणियों को मिलना चाहिए, तो आप ले सकते हो, यहाँ पर कोई वाइब्रेशन नहीं है, यहाँ पर भी कोई वाइब्रेशन नहीं है, इस जगह पर फिलहाल कोई वाइब्रेशन नहीं हुआ है, ऐसे कैसे ही है, यहाँ पर भी कुछ भी वाइब्रेशन नहीं है, थोड़ा थोड़ा देखो दोस्तों, थोड़ा थोड़ा तो वाइब्रेशन हल्का हल्का तो महसूस होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी तो आपको ज़मीन में हर जगह मिले ही जाएगा कुछ, तो हम वो जगह देखेंगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा होगा। तो देखो दोस्तों यहाँ इस जगह पर जो इस जगह पर आप देख सकते हैं इतना भयंकर वाइब्रेशन हो रहा है। तो ये जो मेरा फिफ्थ पॉइंट है इसको मैं नोटिफाइड कर लूँगा, ये मेरा पांचवा पॉइंट है जिससे अगर बोरिंग करवाना चाहते हो तो इस जगह पर भी पानी आने की 100% संभावना है। दोस्तों इस पॉइंट से मैं जाऊँगा जहाँ जहाँ पर ये वाइब्रेशन होगा तेज, उस जगह पर मैं रुक जाऊँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी थोड़ा बहुत वाइब्रेशन हो रहा है दोस्तों, यानी कि लेकिन इतना नहीं हो रहा, थोड़ा और आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हो, आप नारियल को देख सकते हो बिल्कुल, मेरे हाथ को देख सकते हो इस जगह पर आप देख सकते हैं यहाँ पर तो ये रुक ही नहीं रहा, और इस जगह पे जो मैंने ऑलरेडी पानी चेक करा हुआ, लेकिन मैं वीडियो बनाने के लिए आपको मैंने दोबारा बताया, आप देख सकते हो मैंने पहले से ही निशान लगा चुका हूँ मैं, और एक बार फिर मैं आप यहाँ से आके देख सकते हो आप इस तरीके से हाथ है, और आप खुद भी इससे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जो ये उस व्यक्ति के हाथ में होता है जो थोड़ा निष्ठावान आस्थावान होता है, देख सकते हो आप इस जगह पर पूरा नारियल जो है ऑटोमेटिक ऐसे हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक ये खड़ा हो जाता है। अगर इसे यूं करेंगे
या इसको जो भी दबा दूंगा ना मैं, पहली साइड से जो दबा दूंगा तो वापस ऐसे हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह से ये हिलेगा नहीं, चुंबक की तरह खींचेगा ये इस तरीके से देख सकते हैं। वापस करूंगा वापस हो जाएगा, वापस करूंगा तो वापस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा वाइब्रेशन है, यानी ये मेरे हाथ में रुक भी नहीं रहा है इस जगह पर। नारियल देख सकते हो आप, रुक ही नहीं रहा है, बार बार वो जो नारियल गिर रहा है। तो मुझे दूसरे पॉइंट छांटने की जरूरत ही नहीं है, अगर थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन होता तो मैं इसका सेंटर पॉइंट देखता, लेकिन यहाँ पर इतना सारा पानी है कि मैं बयान नहीं कर सकता। और मेरे हिसाब से यहाँ पर 150 से लेकर 200 पे जब पानी फुल आ जाएगा, जहाँ तक कि यानी कि ये जो पूरा एरिया है इस जगह का, यहाँ पे दोस्तों फुल पानी है। और ये जगह आप देख सकते हो, अभी थोड़ी देर बाद में मशीन आने वाली है यहाँ पे, देखो ये भाई। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मैं खड़ा हूँ उस जगह को दर्शक पहचान ले, तो चारों तरफ से एक बार 360 डिग्री का रोटेशन दे देना कि ये वही तो जगह है जहाँ पर उन्होंने बताया था कि पानी कहाँ आने वाला है। तो आप धीरे धीरे से कैमरे को चारों तरफ घुमाइए और मैं उस जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर हमें बोरिंग करवाना है। तो ये तो वो वाली जगह है जहाँ पर मुझे जो है बोरिंग करवाना है। ये मैंने आपके सामने जो है ये निशान कर दिया है इस जगह पर, ये जो मैं खड़ा हूँ इसको पहचान लेना, मशीन यहाँ पर लगेगी। और इसमें मैंने दोस्तों बताया जैसा कि मेरी भविष्यवाणी की 150 फीट पे लगभग यहाँ पे पानी शुरू हो जाएगा। 150 से 200 के बीच में यहाँ पे फुल पानी होने की संभावना है। जैसा कि ये जो नारियल है, ये मेथड है, ये बता रहा है हमें यहाँ पे फुल पानी है, जबकि यही नारियल आगे जो है कम वाइब्रेट करेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वाइब्रेशन तो है, लेकिन जो है सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन जो इस जगह पे आ जाएगा ऑटोमेटिक। इस जगह पर इतना वाइब्रेशन है कि ऑटोमेटिकली गिरने लग गया था दोस्तों, आप देख सकते हो, ये देख सकते हो आप, इसको आप ऐसे पकड़ नहीं सकते हो, आप बिल्कुल नहीं पकड़ सकते हो, बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकते हो, ये कंडीशन है इसकी। तो यानी कि दोस्तों इस जगह पे नारियल से मैंने पानी चेक करा और मैंने बताया कि इस जगह पे बोरिंग लगवाना है आपको। तो इस तरीके से और आप भी बताएंगे हम आपको कि वाकई क्या 150 फीट पे यहाँ पानी आता है या नहीं आता, या मैं कहीं झूठा तो नहीं हूँ। तो ये वो जगह है। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना और मेरे साथ बने रहिए। तो अभी मशीन आएगी, उसका वीडियो भी आपको बताएंगे। और इस नारियल को यहीं रख के जा रहा हूँ मैं, ताकि मशीन आने पर आप जो पहचान सकते हो। तो जो भी अपना इष्ट देव है दोस्तों, उसे याद करना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे ईश्वर है, ईश्वर के हाथ में सब कुछ होता है। मैं कोई ज्ञाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी ईश्वर की कृपा से जो है ये सब काम करता हूँ, क्योंकि मेरे भी कुछ श्रद्धा और इष्ट भाव है मेरे अंदर। तो जो मेरे स्वामी जो गुरुदेव है, तो उनसे प्रार्थना करूंगा कि भाई प्राणियों के लिए आप पानी करें, ताकि मनुष्य को और प्राणियों को पानी मिले। पेड़ पौधे जैसे आप देख रहे हो, मेरा पूरा बगीचा सूख गया है और इसमें काफ़ी पैसे लगते हैं दोस्तों। अभी मेरा बगीचा भी आपको बताऊंगा। तो फिलहाल मैं इस नारियल को मेरी इस जगह पे जहाँ पे मैंने पॉइंट देखा था, मैंने 5 पॉइंट सर्च किए थे आपके सामने वीडियो में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और ये पाँचवा है। तो मैं इस पाँचवें पॉइंट पर जो है बोर लगाऊंगा और मैंने यहाँ पर जो इस नारियल को रख दिया है। और अब चलते हैं दोस्तों, मेरे जो बगीचा में जो मेहनत करता हूँ वो भी बता देता हूँ कि किस तरीके से मैंने पेड़ लगाए यहाँ पे। तो धीरे धीरे बताऊँगा मैं कैमरा मैन साहब से। ये जो गांव है, ये यहाँ पर इकरदा बांध है हमारे गांव के पास में, जो सवाई माधोपुर जिले में पड़ता है इकरदा बांध। लेकिन जो हमारा ये गाँव है दोस्तों, ये टोंक जिले में पड़ता है बनेगा। और ये यहाँ पर जो है आप देख सकते हो, हमारे जो बकरे और ये चर रहे हैं, पेट भर रहे हैं, वो छोटा सा मुनिया है और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं बकरी के। और ये जो बेर का पेड़ है, हम खाते हैं इसके बेर आते हैं, इतने मोटे मोटे बहुत मीठे बेर आते हैं। और अभी पानी नहीं है दोस्तों, वगैरह आपको यहाँ पे बहुत सारे टमाटर मिर्च पे लगाते हैं, लेकिन अब फिलहाल ये सूख गए, कुछ भी पानी नहीं है यहाँ पे। और ये जो फैमिली बोर का पेड़ देख रहे हो, तो अभी तो जो है अप्रैल का महीना है, वरना पहले आते तो आपको बोर खिलाते मीठे मीठे आपको दिखाते। फिलहाल यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। और ये जो नींबू के पेड़ है, बारहमासी नींबू आप देख सकते हैं, कितने अच्छे नींबू आ रहे हैं, पके हुए पीले पीले। और ये अभी काफी 200 रुपये 300 रुपये किलो दोस्तों, बहुत बड़े। तो ये नागपुरी का पेड़ है, नागपुर का पेड़ है नींबू का, जिसमें बहुत ही अच्छे नींबू आते हैं। इस साइड में आप चलेंगे तो यहाँ पर जो है अमरूद के पौधे है हमारे यहाँ पे। ये जो सवाई माधोपुर के जो मीठे अमरूद है, वो पौधा है यहाँ पे सवाई माधोपुर वाला, बहुत ही मीठे हैं, इतने मीठे हैं कि होंठ ही चिपक जाते हैं, आपको दूसरे आदमी से छुड़वाना पड़ेगा, इतना ज़्यादा मीठा पेड़ है ये वाला। तो आगे चलते हैं, तो हम जो है ये हमारी जो दूसरा अंगूर की बेल लगी हुई है यहाँ पे, तो देख सकते हैं आप
जो आपको बेल दिख रही है वो अंगूर की बेल है, लेकिन फिलहाल दोस्तों वो जो है अंगूर आ नहीं रहे क्योंकि पानी नहीं मिला इसको। ये यहाँ से उग रही है अंगूर की बेल, ये देखो ये जो पेड़ है ये बेल है अंगूर, अंगूर की बेल है ये, और अंगूर की बेल के पत्ते वो दिख गए होंगे। नीम नहीं है ये जो मैं जो बता रहा हूँ ऊपर, ये देख सकते हैं ये वाली, ये नीम के ऊपर ही लगी हुई है ये, इसमें गुच्छे आते हैं अंगूरों के। अभी कुछ भी नहीं आ रहा, वरना मैं आपको दिखाता। पहले जो कैमरामैन साहब आए थे हमारे साथ, उन्होंने देखे थे, लेके भी गए थे इतने सारे तोड़ करके। और जो ये जो पेड़ है ये खटुए का पेड़ है, ये पत्थरी वगैरह होती है तो उसे खाने से जो पत्थरी कट जाती है उसे बोलते हैं खटुए का पेड़ बोलते हैं इसको। और ये जो आपको ये जो पेड़ दिख रहे हैं ये बुआरियाँ बोलते हैं इसको, जो झाड़ू बनती हैं इनकी, घर वर बना लेते हैं। और आप इधर छान बांध लेते हैं, ये जो ये कुछ मरा हुआ है यार, जाओ मुच्छा जाओ, अच्छा जाओ चूहा कोई मरा हुआ होगा ये, जिसके कांटे लग जाते हैं तो पेड़ गल जाता है। ये देखो दोस्तों ये जो बेल का पेड़ है लेकिन ये भी सूख गया है बिना पानी के अभाव में, क्योंकि हमारे भाभी हमने बताया कि पानी है नहीं और अब ट्यूबवेल करवाने की सोच रहे हैं। और ये जो हमारे जो जामुन का पेड़ है ये भी बहुत अच्छे मीठे जामुन आते हैं इसमें, और इसके पत्तों में काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। बाकी इधर से ये रास्ता जा रहा है ये बनास नदी के अंदर, थोड़ी सी दूर पर बनास नदी मिलेगी। ये पूरा खेत हमारा है दोस्तों यहाँ पे, ये जो सामने लगे हैं वो भी नींबू के पौधे लगे हुए हैं, हम वो वाले पेड़ भी देख के आते हैं। धीरे धीरे आना क्योंकि किसी के लग भी सकती है, बहुत पीछे पाते हैं सरसों, ये सरसों कटने के बाद में जो है दाखिल हुई है तो ये देख सकते हो कितना हरा भरा यार, मजा आ रहा है मुझे यहाँ पे घूमने में। अगर दोस्तों किसी को नींबू वगैरह चाहिए शादी ब्याह में तो वो भी हम ऑर्डर करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पेड़ हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। आप मेरी बैकग्राउंड देखो, आप यहाँ सेल्फी ले सकते हो, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। और साथ ही नींबू आ रहे हैं, किसी की शादी ब्याह के लिए नींबू चाहिए हो तो मुझे कॉल कर सकते हो, हम पहुँचा देते हैं। खूब सारे नींबू आ रहे हैं हमारे यहाँ पे। और आराम से थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये फल लेकिन सूखने लग गए नींबू, ये बच्चे हैं ये चल रहे हैं तो मामे देखते देखो इतने मोटे मोटे नींबू आ रहे हैं यार, काफ़ी अच्छे नींबू है। और ये इधर ये सारे झाड़ू के पौधे लगे हुए हैं, ये पाइप वगैरह है पानी के पाइप है, ये भी नींबू का पौधा है, ये भी नागपुरी किस्म का पौधा है। ये दोस्तों ये पंड खजूर है जो खाते हैं ना, वो वाला पंड खजूर है, ये मैंने लगाया था, ये 4 साल की उम्र है इसकी। और ये इधर जो वापस नींबू के पौधे आ जाते हैं इधर, जिनमें तो मैं नहीं भराऊंगा, तुम खाओ चारा, मैंने थोड़ी बनाते हैं। जो उद्योग साहब ये जो ये पौधे यहाँ पर भी बहुत अच्छी सेल्फी आ रही है, थोड़ा पीछे से हमारा पूरा फोटो लीजिए कि कितना अच्छा जो यहाँ पे बैकग्राउंड आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना, सेल्फी अच्छी आ रही है ना भाई, कैमरे का मत लगा वहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं पूरा, अब एक बार धीरे अपनी जगह पर से धीरे धीरे पूरा 360 डिग्री का रोटेशन दे दीजिए। ये जो हमारा खेत है वो कहाँ पे है, इस वो वाला खेत अलग था और ये वाला खेत अलग है। उधर से जो रास्ता जा रहा है बनास में, और वो उधर जो कुछ लोग रहते हैं तो उस साइड के नज़ारा है ये पूरा हमारा। और ये जो सामने हमारा कुआ है, और वो जो हमारी सिस्टर आ रही है वो हमारा घर है, वो जो वहाँ से ये जो सारे अमरूद के पेड़ उग रहे हैं, ये जो मेहंदी के पेड़ पे लगा रखे हैं, ये जो आपको बता दें ये जो हम लगाते नहीं है, ये सोजत की मेहंदी है, सोजत की मेहंदी फेमस है, इसमें भी काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। पर क्या है कि अभी इसको पिसाते हैं, इसके जो पत्ते तोड़ करके और पीसना पड़ता है, बहुत अच्छी क्वालिटी की मेहंदी है, एक दिन में लाल हो जाती है ये सोजत की मेहंदी है ये। और बाकी ये जो नींबू आप देख रहे हो
ये नागपुरी नींबू है, ऊपर अभी से पके हुए पीले, बिल्कुल पेड़ के पके हुए नींबू इस सीजन में आपने देखे नहीं होंगे, तो आप देख सकते हो बिल्कुल क्लियरली कि जो हम आपको झूठ नहीं बोल रहे, सच बोल रहे हैं। और ये जो हम जिस पेड़ के नीचे खड़े हैं वो इसका है, बेर का पेड़ है, पर अभी बेर कुछ भी नहीं आ रहे क्योंकि सारे बेर खत्म हो गए। और अभी से अब थोड़ी देर बाद में हम जो वीडियो बनाएंगे वो मशीन आने के बाद में आपको उसी स्पॉट पे ले चलेंगे जहाँ पे हमने नारियल से पानी चेक किया था। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए और आप पूरा वीडियो देखना, और किसी को अगर मेरी जरूरत पड़े तो दोस्तों पानी देखने के संबंधी अगर आप परेशान हो, पानी नहीं हो किसी के, तो आप मुझे बुला सकते हो, मैं निःशुल्क, चाहे मेरी जेब के पैसे लग जाएंगे तो भी मैं आपके वहाँ पर आ जाऊँगा और पूरा पूरा आपको सपोर्ट करूँगा, इस चीज़ की गारंटी है। और निस्वार्थ भाव से जो है हम ये सब काम करते हैं। तो दोस्तों अभी फिलहाल मशीन आने वाली है, हमारे यहाँ डिकोलिया तक पहुँच चुकी है, तो तब तक वेट करते हैं और आगे का वीडियो दिखाएंगे, तब तक आप वीडियो में बने रहिए, ठीक है ना। फोन कर दे, चालू है भाई, तू आ ले अरे भाई ले ले, चालू का ऐसा का ला रे राम, धीरे 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 वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों देखो इधर हमारे और इधर मैं जा रहा हूँ, ज़्यादा मैं स्पॉट दे रहा हूँ, जगह पे चल रहे हैं, मशीन ले जा रहे हैं। दोस्तों लेके आ गए मशीन को, बहुत जल्द बोरवेल करवाने वाले हैं। जो जगह हमने देखी थी वही जगह पर करवाएंगे। ये देखो यहाँ लगेगा भैया, ये यहाँ पर वो करवा लिया शूटिंग कर लिया मुंडा मुंडा इनकी बारी बारी कलैंड आएगी, शूटिंग कर लिया कहाँ रखे ये थिएटर का है करगा थिएटर शो को थिएटर दे लो नहीं ना वो तो छाटी वाला हो पे ट्रैक्टर तो जरा वो लल वो उसको काटना पड़ेगा तो डोली है हां ये से तो काट देंगे दो पर लेवल करना है, लेवल करके मटेरियल से डाल देना है। पेड़ तक पूरा काटना पड़ेगा, वो पेड़ है ना उतना लंबा से लड़के लोग पेड़ है ना, इतना तक पूरा काट के लेवल करना पड़ेगा, सब जगह दोस्तों यहाँ पर क्या है की पहुंच चुकी जगह पर ये झाड़ आ रहे, तो अभी हम क्या है इसको सही करवा रहे हैं। मशीन हमारी आ चुकी है, हमारे ये एजेंट साहब है मशीन वाले, बोल रहे हैं कि भाई इसको साफ करो, हम कोशिश कर रहे हैं अब तक वीडियो में बने रहे पूरे, और आपका भी यूट्यूब पे आ रहा है सर नाम भैया, निकलना पड़ेगा यार, काम करने जगह नहीं है, पहले एक मिनट निकलना पड़ेगा। पहले काटा पूरा निकला, ओ
लाभ साइड में डाल ला जा हां यार ट्रैक्टर तो कौन आओ ऊपर पर आड़ी कमरा में ट्रैक्टर वाला कौन है यार ट्रैक्टर को कहां कर रहा कूलर है मैं उधर टकल दे लेते हैं 2 मिनट का काम है तो मंत्र जा कूलर को बाहर को जाओ सुबह जाना होटल वाला ना होटल वाला सुबह जाना तो होटल वाला सुबह जाना हां मतलब वो डूम लो अरे क्यों तो निकला गाना होटल वाला सुबह जाना चलेगा यार चलेगा हां नहीं तेरी ये खड़ो रहोगा दो आदमी की स्पेस है ना या ना सही तो ये दुनिया का था कि आप सुख ले ले ऊपर की निशान के काम करते हुए डायरेक्टर साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं डायरेक्टर साहब मीटिंग तो करवा दो यार थोड़ी हेल्प ये कर देगा बेटे का काय काम का इसके पास समझो ना रही कहता यास क्यों नहीं ये कर देगा मीटिंग तो लागो रे इन्हें इन करवा दी इशू को होगी इशू करो इशू इन आवाज इन इन इशू करवा दो यासु चल जाए हाथ जाओ पानी दे दे पड़ जाए उठी सारो कौन खाए कभी पानी ठीक बाजू कटो जी गाड़ी नहीं नहीं खाए दिक्कत होना ठीक है रामू डायरेक्टर साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे डायरेक्टर साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई साहब पूरी जान खोद दिया पूरा पूरी जान लगा के रख और हमारे यहाँ पे देखो बहुत मेहनती आदमी है और इधर गाड़ियाँ चुकी हैं देख लो देखो डायरेक्टर साहब कितनी मेहनती आदमी यार यार लाइक ठोको यार कमेंट ठोको यार सब्सक्राइब करो यार चैनल को तो मौज मेरी जा तो खाए ना अरे हम बार वो फोन ऑन खाए तो फोन भी ना कराती हूँ चंड से देर बात कर रहा हूँ ठीक है चल मार में आएगी मैसेज कर नहीं मैं कौन तारा भाई टेंशन मिल लियो थोड़ा लेफ्ट करके
तो पहले जूता का बार वीडियो लाइव इतने दर्शक आए देखो दोस्तों, इतने दर्शक आए देखने को। गुजर चलाओ दोस्तों, यही लगेगा, चेंज नहीं करना है। साथ ये होगा नीचे का, वो हाँ नीचे का साथ का नीचे का साथ ये लगेगा। ड्रेसिंग कसू वालों से आपको पास नहीं, मतलब तीन वेराइटी आपको ना, एक ड्रेसिंग सबके लागू है। बाटा पट गया तो बारे एक कुमार है तो ऊपर नीचे दबरे जो मरे तो बारे बात कर जो भाई छोटो पानी को तेर मुंह और कोई कहीं न कर सके। सही बात दोस्तों, हम कमेंट पास करो टमाटर टमाटर चाहिए सब्जी के लिए, मिल जाओ मिल जाला वहाँ तलाब गला जो माड़ा मिल गया हम ले। हेलो आपका बता लगे
शीशा रख दीजिए रे। और दोस्तों हमारा मशीन चलने को तैयार है और स्पॉट पे खड़ी हो चुकी है मशीन। और हमारे रामू जी और लवकुश मीणा जी भी यहाँ बैठे हैं। पाइप लग रहा है मशीन के अंदर। ये भाई लोग लाइट पे पाइप लगा रहे हैं। दो मशीनें हैं। नाइट का समय हो गया, वहाँ दीपक जल रहा है उस जगह पर। ये पाइप लग गया। क्या टेक्निक है यार इसको लगाने की। क्यों रामू जी, वाओ फोन करो लवकुश जी आपका। वो धूल उड़ेगी तो हम थोड़ा दूर जा रहे हैं भाई लोगों। इधर सुनीता और जयराम जी भी कटे कुछ दिखाई नहीं दे रहे यार। अरे ये रात में नाइट केवल बोरिंग ही दिख रही है। क्या कचरे हाँ यार सही है। या इधर रख दो, इधर लिया, इधर लिया सर। Thank you.
पानी है नहाई जो मंदिर पंडिया रह गया जो लगा वो लोग पार मर गए भाई चौथे चांस है क्या चौथे बोरिंग दियो पहलो दूसरो तीसरो ये चौथे बोरिंग से सम संख्या थे ये बार बालाजी महाराज चौथा लगा भी पूरी मर बूटा मरोज मंगलवार शनिवार दिन जिनमें किस मुको बालाजी बाबा देखा आज की तो पड़ताल करी जो नारियल सुबह दिशाएं और लगा दियो हाँ मन पकड़ पकड़ ले जाओ वहाँ मटून मरर से गई वहाँ पानी लग गए उनमें से बता दीजिए अब आपने तो यो पहली बार कर रही हूँ पहली चेक कर गयो तुम चाला में लगा रहा जानते कह रहे थे ना पहली बार डेप आए जो उन पानी हाँ अरे एक वो उड़ गया वो लगा था ना पहली उनको वो कर कते किनार पे हाँ बाटो ना है वो यो डाल लाइम वो यो यो ये बट को ध्यान रखा तो 7 इंच की डाल लगी हाँ भाई अब तो चाहे नाइट बस है ओ यार अरे लिया उन्हें आज हम तो चार लिया दो टेल लिया जो वो जलू जा आपने मार भाई दो टेल भी मल लिया जो हाँ जी रामू जी
जमीन का पाइप चेंज कर रहे हैं, दूसरा रामू जी साथ रहे हैं, इधर दिख रहे नहीं है रामू जी ऑर्डर की मीणा जी फादर जी बोल रहे हैं कि भाई पानी आ सकता है, वरुण देव कांकरे आ रहे हैं दोस्तों। बालाजी महाराज के इष्ट देव है, क्या होता है क्या नहीं होता है सब कुछ आपके सामने सामने हो रहा है, आप वीडियो को पूरा देखें। ऊपर से अभी हादसा हुआ होता वो चढ़ रहा ऊपर भैया, मुझे सकल तो बताओ तुम्हारी, ये दिख रही नहीं है यार, इधर देखे
इधर से भी नहीं दिख रहा, बिल्कुल नहीं दिख रहा। उजालो करो यार भाई, वीडियो देख रही है। देखो ये हमारे रामू जी हैं, वो हमारे टर्की मीना जी है, सॉरी यार हमारे साला जी है यार, मैं वैसे मजाक में कह देता हूँ। तो यार दर्शकों हमारी मीटिंग चल रही है और आपको बताते हैं हमारा नारियल कहाँ तक काम करता है नहीं करता है। मुझे ये भी डर लग रहा है कहीं यार हंसी मजाक नहीं हो जाए मेरी क्योंकि ये लाखों का खेल है। तो दोस्तों इतना सारा पानी आ गया, जो हमने नारियल से चेक करा था खतरनाक पानी आ गया, खतरनाक पानी दोस्तों, इतना भयंकर पानी मैंने कभी नहीं देखा होगा, इतना खतरनाक पानी आया है, बहुत ही भयंकर पानी है दोस्तों, आप देख सकते हो, बहुत ही शानदार पानी आया है, इतना पानी मैंने कभी उम्मीद नहीं करी थी। आप देख सकते हैं जो हमने नारियल से पानी चेक किया है, खतरनाक पानी आया है, बहुत भारी खतरनाक पानी आ रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो बहुत ही भारी मात्रा में पानी आया है, बहुत ही भारी मात्रा में पानी, और मशीन से पानी निकल नहीं रहा, इतना टाइट पानी आ रहा है, सब भयंकर मात्रा में पानी आ रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो बहुत ही शानदार तरीके का पानी, बहुत हैवी पानी आ रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो बहुत हैवी पानी आ रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा हैवी खतरनाक पानी आ चुका है बोरिंग में, अभी तो चालू ही हुआ है, आगे क्या होता है वो पूरा वीडियो में बताऊँगा, आप पूरा वीडियो में देखते रहिए, बिल्कुल पास से जाकर के आपको दिखा रहा हूँ। पानी है बोरिंग का बहुत खतरनाक पानी आया है, अभी तो कैसिंग रखा ही नहीं था जिससे पहले पानी आ गया है दोस्तों, जिससे बोलते हैं खतरनाक हैवी पानी चल रहा, वीडियो में बने रहिए आप।
साथ बने रहिए, पूरा अनकट वीडियो है। और ये मशीन चल रही है, हमने मुनियारा से लेके आए हैं मशीन, बहुत अच्छी मशीन है। मुझसे संपर्क कर सकते हो आप, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर दे दूंगा मैं। शूटिंग करने वाला कोई नहीं है, मैं खुद ही वीडियो शूट कर रहा हूँ दोस्तों। वो मशीन चल रही है बहुत अच्छा, समय लगभग रात के 12:30 बज रहे हैं। देख सकते हैं अभी तो पूरे 5 पाइप गए हैं, बाकी 1, 2, 3, 4, 5 बार पड़े हुए हैं पूरे 5। एक तो बार ही है अभी पूरा नहीं गया, नहीं आ रखा। हमें ये लगभग 200-250 करवाना है, देखते हैं पानी कितना आता है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और मैं मेरे पर विश्वास कीजिए, बिल्कुल नारियल भी नहीं से 100% पानी निकल जाता है, अगर कुछ मन भाव से करे तो। आप देखते रहिए मेरे साथ, मैं बिल्कुल मोटर चला के भी बताऊंगा आपको सुबह। फिलहाल आप मेरे साथ देख सकते हैं अच्छे अच्छे सामान लगे। पानी तो फुल हो गया इसमें, अभी तक तो बोर शुरू नहीं हुआ, उससे पहले ही 1.5 इंच पानी आ चुका था। लेकिन क्या है कि बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, केसिंग चिपक गया पाइप, तो पूरा पाइप नीचे जा रहा है, तो हमें दोबारा मेहनत करनी पड़ रही है। पूरा केसिंग पाइप 100 फीट का वापस निकलेगा, तो इसे हम वेल्डिंग से काट करके वापस निकालेंगे, और वापस निकाल करके दोबारा से जो केसिंग पाइप फिट कर रहे हैं, हमें इसमें जो चौगुनी मेहनत करनी पड़ रही है। ये इनकी लापरवाही थी, जो ड्रिलर है इसने ध्यान नहीं दिया। बाकी बहुत अच्छा काम चल रहा है दोनों मशीनों पे, अच्छा पानी भी आ गया था, और लेकिन थोड़ा दिक्कत हो गई, तो हम आपको पूरा वीडियो बता रहे हैं। मशीन भी बहुत अच्छी है, मौसम भी बहुत अच्छा सुहाना हो रहा है, लेकिन अब दोस्तों ये मशीन है, इसमें काम बहुत ही सावधानी पूर्वक करना पड़ता है। तो अभी हमने काटा है केसिंग, पूरी पाइपलाइन दोबारा से निकलेगी और वापस सेट होगी। देखिए आप, इस तरीके से केसिंग काट दिया गया और इसको निकाल रहे हैं, उठा करके इसे बाहर करेंगे, फिर दोबारा सेटअप करेंगे इसको। जो सिस्टम दोबारा से जम रहा है दोस्तों, भाई रामू जी अब दोबारा निकाल रहे हो, आपको डबल मेहनत हो गई है। तो इस पाइप को निकाल करके बाहर डर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा काफी ज्यादा टाइम लगा दिया दोस्तों। 7 बजे से मशीन चली थी, लेकिन अभी तक बोर हुआ नहीं इनसे। अरे रामू भाई है, ये मेहनत कर रहा है, मुस्कुरा रहा है ये एक दूसरा राम भाई है इधर ही, ये भी मुस्कुरा रहा है।
यार दोस्तों ये बोल रहे हैं अभी तक बोर हुआ नहीं यार, इतने घंटों में 100 फीट बोर नहीं हुआ। मैंने कहा अरे रामू भाई जो है ना ये हमारा नाड़ी है ड्रिलर कमेंट्स कर रहे हैं फेसबुक पे लाइव चल रहा है। हाँ यार 12 घंटे में तो बोर होता नहीं है, 1000 फीट लाइन हो जाती है 12 घंटे में। तो 12 घंटे लेकिन चिपड़ा होके जा रहा है। अच्छा मिट्टी गिर रहा है और केसिंग पैच चिपक रहा है। अच्छा ये प्रॉब्लम थी तो अभी हम वीडियो को पॉज कर रहे हैं, जब तक कि दोबारा से चलाएंगे तब तक आप इस पे रहिए पूरा चैनल पे। हम आप दिखाएंगे मोटर चला कर कितना पानी होता है। अभी फिलहाल 1.5 इंच पानी हुआ है, जबकि अभी तक तो बोर स्टार्ट ही नहीं हुआ, उससे पहले ही पानी आ चुका है। मात्र 90 फीट पे खूब पानी आ चुका है इस बोरिंग में। तो मैं अभी वीडियो को बीच में पॉज कर रहा हूँ क्योंकि हम दोबारा से केसिंग पाइपलाइन को निकाल रहे हैं और जो है पाइप ही नीचे गया फिर। ओ ये तो पाइप ही टूट गया यार, पूरा पाइप नीचे गया। अब क्या होगा, पूरा पाइप नीचे गया केसिंग पाइप। सुनीता पूरा केसिंग पाइप नीचे गया, अब क्या होगा। ये मूंछड़ा निकल गया, इसकी तो वाट लग गई यार, मतलब नहीं है। पूरी की पूरी वाट लग गई दोस्तों, ये तो पूरी मेहनत होगी, पूरा केसिंग पाइप नीचे गया। अब क्या होगा नेक्स्ट टाइम। 5 फीट गया नीचे, 5 फीट गया केसिंग, वेल्डिंग चोट के चला गया दोस्तों। निकाल रहे हैं, किस तरह से निकालेंगे वो भी दिखाएंगे आपको वीडियो वीडियो में बताएंगे आपको पूरा। वीडियो में बने रहिए, तब तक कि हमारे जो दोस्त लोग हैं ये काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और हमें भी नींद आ रही है क्योंकि शाम को 7 बजे से लगे हुए हैं पर अभी तक हमारा बोरिंग हुआ नहीं कंप्लीट। वेल्डिंग छूट गई, इन्होंने हल्का काम किया था, देख रहे हैं कि यार वाकई हमने जो है थोड़ा काम चलाओ किया है। जो ड्रिलर है नींद में काम कर रहा था, इस वजह से इसको घाटा लग गया, चूना लग गया इसको। तो मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को पोस्ट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं वापस जब मशीन चलेगी तो मैं आ जाऊँगा लाइन पे, जब तक कि आप वीडियो को देखते रहे। दोस्तों नई जगह पर मैं फ्रंट पर अपने बोरिंग लगा दिया, उसमें पानी निकलने को आया लगभग 2-3 आरो बीच में जो पानी निकला था और ये अभी मशीन करके हमारा घर है। और वो जो पहले वाला पोर्ट था वो बिल्कुल सामने लगाया था हमने, जहाँ पर वो वाइट वाइट दिख रहा है वो डीपा डीपा, तो वहाँ पर ज़्यादा पानी आ गया तो कैसे अंदर रह गया। दोस्तों अभी हमने नई साइड पर नया बोरिंग लगाया है और इसका जो कभी मैंने नारियल की जैसे पानी देखा है मुझे कितना पानी आता है, पानी आने के बाजार पर ही है फिलहाल जो है। मशीन चल रही है बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है मशीन का, आप भी देखते रहे। और अब मैं भी इंतजार कर रहा हूँ पानी कब आएगा हमारे बोर में, जल्दी जल्दी मोटर डाल दें। तमाम लोग बैठे बैठे बोल रहे हैं
पानी ही पानी हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से आप जो है आपके भी खेत में अगर पॉलिटिक निकलवाना हो तो मिक्सर मेरा यूट्यूब चैनल पे चाहिए और मैंने नंबर लेकर के आप तुरंत अपने खेत में बोरिंग करवा लीजिए। मैं फ्री में आपकी सेवा करूँगा, हाँ बोरिंग करी दोनों में खेत में सुरक्षित रहेगी। हमारे रामू जी और लवकुश मीणा जी जो है दोनों कैमरा मैन है मेरे और वो भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं कि कहीं कोई डिलीट नहीं हो जाए। हमारे मदर फादर और हमारे ब्रदर सब लोग यहाँ पे जो है गांव वाले भी बैठे हैं, देख रहे हैं मजे ले रहे हैं। और पानी बहुत सारा आ चुका है दोस्तों, पूरा 4 इंच पानी आ चुका है, पानी पानी हो गया पूरे देश में और बिल्कुल आप लाइव देख सकते हैं, इसमें कतई झूठ नहीं है। अनकट वीडियो दे रहा हूँ मैं आपको और वो जो पॉइंट मैंने खोजे थे तो आप देख सकते हैं कि मिस्टर मीणा यूट्यूब चैनल आपके लिए क्या क्या उपलब्ध करवाता है। आज इस वीडियो में दूध का दूध और खाने का पानी हो जाएगा तो आप देख सकते हैं हाई पावर इतनी बड़ी मशीन है यार दोस्तों, क्या यार मजा आ रहे हैं इसे देखने के। और आप भी आज आ सकते हैं हमारे खेत में देखने के लिए, काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी अच्छा फील लग रहा है दोस्तों देखने के लिए। बहुत ही आनंद है देखकर, 4 इंच पानी है दोस्तों, पानी ही पानी देख सकते हो आप वीडियो बना रहा हूँ। ओए आटो पहले ही जाकर आ जाओ वीडियो में आटो। तो अभी पाइप निकाल रहे हैं दोस्तों, मैं बाद में बता दूंगा आपको वीडियो, फिलहाल मैं रिकॉर्डिंग बंद करूंगा पोस्ट करूंगा, तब तक आप वीडियो में बने रहिए और पूरा वीडियो देखें जब तक कि पूरा पानी नहीं निकल जाता 6 इंच, तब तक हम पीछा नहीं छोड़ेंगे चाहे कितना पैसा लग जाए। तो दोस्तों आप देखते रहिए और मिस्टर मीणा यूट्यूब जो है आपको इस तरह की वीडियो अपलोड कराता रहेगा, लेकिन आप यार लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना इसके चैनल को ताकि कुछ सबल और सपोर्ट मिल सके और आपके लिए वो नए नए वीडियो ला सकता है। उस तरीके से जो है प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, काफ़ी अच्छा पानी है, बहुत अच्छा तरीके का पानी निकल रहा है, लोग देख रहे हैं गाँव वाले भी मोटरसाइकिलें रोक रोक करके कि बहुत कुछ पानी निकल चुका है। और जब ये जो रामू जी वीडियो बना रहे हैं, मैं कुछ वीडियो बना रहा हूँ इसके लिए, अरे तो यार पाइप रखने दो भाई, अच्छा पानी निकल रहा है दोस्तों। लेकिन अभी वो पानी नहीं आया जिसकी मैं सोच रहा था, जिसकी मैं कल्पना कर रहा था, वो पानी नहीं आया। तो कोशिश कर रहे हैं कि वही पानी ला के देंगे और जिस तरीके से बजरंग बली की कृपा से जो है वो पानी आ जाएगा, मेरे को जहाँ उम्मीद है। और अभी पानी चालू हुआ ही है, जाने कितना पानी आएगा, अभी तो आप वीडियो के साथ बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए और प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें इस वीडियो को ताकि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके और वो इस तरह के जो वीडियो बनाया आपके लिए रोजाना नए नए रोमांचकारी वीडियो और बिल्कुल अनकट वीडियो दोस्तों, बिल्कुल झूठ नहीं इसमें, आप देख सकते हैं लाइव। और पूरे खेत में जो पानी पानी का दरअसल आप देख सकते हैं, हमारे नींबू पानी पी रहे हैं उधर, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है उधर। हमारे पिताजी और सामने जो हमारे जो खेत है उधर हमने पॉइंट लगाया था लेकिन वो फेल हो चुका था, तो बता सकते हैं हम आपको वो उधर हमारा घर है जो सामने आप देख रहे हो वो वहाँ पे, ये हमारे रामू जी और लवकुश मीणा जी भी वीडियो शूट कर रहे हैं मेरे लिए ताकि कोई वीडियो डिलीट नहीं हो जाए और मैं आपके लिए नए नए वीडियो देख सकते हो दोस्तों। प्रेशर के में प्रेशर जब आता है तब कितना पानी आता है तो वो आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, काफ़ी अच्छा आप देखो यार बिल्कुल देख लो यार, इतना सारा
भाई लोग हैं हमारे जो मशीन बोर किया है, और अभी हम आपको पानी दिखा रहे हैं बोरिंग का। बोरिंग का जो पानी है वो इतना है, आपको दिखाएंगे पानी बोर का कितना होता है। और हमारे जो ट्रेलर है देख सकते हैं दोस्तों, 1, 2, 3 ये दोस्तों, ये जो पानी आप देख सकते हैं अभी फ्लोर से कुछ पानी हुआ है, गर्मी के सीजन में 4.5 इंच पानी हुआ है दोस्तों। मैंने जो है नारियल से कुछ देखा है पानी को, बहुत अच्छा मीठा पानी आया है दोस्तों, इतना मीठा आया है कि बिल्कुल आप चंग रहे हैं। बिल्कुल लास्ट में 340 फीट बोर हुआ है दोस्तों मेरे घर पे, और अच्छा पानी आया आपकी दुआ से। आपको भी यही कहूँगा कि आप लोग वीडियो लाइक कर देना और प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार, गरीब आदमी हूँ आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों बोर लगाने में बहुत अच्छा मज़ा आया मुझे, और ये मशीन चलती तो मुझे बहुत मज़ा आता है, चलती तो पानी आता कितना आएगा कितना आएगा। और आप भी देखिए इतना पानी आया दोस्तों आपकी दुआ से, सारा पानी आ गया है तो हमारी मोटर भी चल जाएगी, पानी भी पीलेंगे, हमारे जानवर भी पीलेंगे, और अभी आप हमारे घर आओगे तो आपको भी बहुत अच्छा ठंडा पानी मिला है दोस्तों। तो ये जो पूछ रहे हैं इतना पानी आ चुका है, आप देख खोजा था उसमें ये पानी आपके सामने, ये 3 HP की मोटर है, ये इधर हमारे बाबूजी खुशी किलर और हमारे ब्रदर और सिस्टर और मदर फादर इधर देख रहे हैं, ये पानी है कितना प्रेशर है आपको नपा के देखिए, एक हाथ का प्रेशर दे रही है और केवल जनरेटर से चल रही है मोटर, और काफ़ी अच्छा पानी है, जनरेटर की वाट लग रही है 250 निब बन रहा वोल्टेज जनरेटर से। जनरेटर दिखा देता हूँ, 200 बना दो, जनरेटर में पूरे 200 वोल्टेज आ रहे हैं।
और ये जनरेटर टॉप लाइन का चल रहा है, देख लो आप, हमारे काका जी का जनरेटर है ये, और बोरिंग ये चल रहा है यहाँ पे। ये मोटर इसमें एक हाथ का प्रेशर दे रहा है, ये मोटर काफ़ी अच्छा पानी है, शानदार पानी है, बहुत ही मीठा पानी है, और बाद में भी बड़े ऐसे मीठे पानी पानी एकदम मीठा है। अच्छा पानी इतनी सी देर में इतना सारा वो भर दिया दोस्तों। ये हमारा सारा खेत है, ये कल बोरिंग लगवाया था हमने, और एक हाथ का प्रेशर दे रही है हमारी मोटर, पानी बहुत अच्छा फेंका हमने, ट्रैक्टर से मोटर डलवाई थी, और अभी मैंने स्टार्टर में तेल डाला था ताकि मोटर सही चले, और ये जो टॉप लाइन का जो जनरेटर दब रहा है बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि इसको वोल्टेज सप्लाई थोड़ा कम मिल रहा है। पानी बहुत अच्छा दे रही है मोटर, अभी पानी गंदा आ रहा है क्योंकि कल वो लगाया ही था। थोड़ी देर तक चलाते हैं इसको, पानी कितना अच्छा आता है और कैसा आता है, प्रेशर बन रहा लगातार, जैसे जैसे होल चलेगा उस हिसाब से पानी भी बढ़ेगा दोस्तों। और अभी हम जवार बोएंगे भैंसों के लिए, तो हम पिलाव कर रहे हैं, इसमें मिट्टी आ रही है, अभी जैसे जैसे प्रेशर आएगा वैसे वैसे पानी भी ठीक होता जाएगा, मिट्टी भी ठीक होती जाएगी, और मोटर भी ठीक ढंग से चलेगी, कपड़ा चल रहा है अभी। तो पानी तो बहुत अच्छा आ रहा है ना, यह